जो भी करते थे और जिनकी सैलरी भी थी और एडमिशन के हवाले से वो काफी कंफ्यूज थे। उनका यही कहना होता है कि सर हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, हम बड़े बड़े इदारों में भी गए, हम दिन रात पढ़ते रहे, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है या तो वहां पर एरर शो कर दिया जाता है या तो हमारा रिजल्ट ही शो किया जाता है। मुख्तलिफ प्रोसेस है, मुख्तलिफ काइंड ऑफ वैराइटीज है जिनको आप पूरा करेंगे, उसके बाद जाकर आपका रिजल्ट शो किया जाएगा और उसके बाद आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप फेल भी थे या पास भी थे। तो अब आप खुद बताइए ना, लाखों बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि आपकी फीस सबमिट हो भी चुकी है कि नहीं, क्योंकि तो पहला प्रोसीजर जो था, जो पहला प्रोसेस यूनिवर्सिटी का था, उसमें आपको फीस जमा करवाने के साथ साथ उसकी जो कॉपी होती थी चालान फॉर्म की, वो फीस जमा करवानी पड़ती थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, बल्कि मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, देना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जो जॉब भी करते थे और जिनकी सैलरी भी थी और एडमिशन के हवाले से वो काफी कंफ्यूज थे कि सर हमारी डेट गुजर रही है, दिन बड़े थोड़े रह चुके हैं और इस बार हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम एडमिशन करवाने से भी कासिर रह जाए। तो पीयू ने आखिर आप लोगों पर तर्ज खा ही दिया और आपकी डेट एक्सटेंड कर दी जा चुकी है। आई थिंक आपकी डेट जो पहले 15 थी, अब आई थिंक 21 हो चुकी है। अच्छा, साथ साथ दूसरी बात मैं आपसे करता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका यही कहना होता है कि सर हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, हम बड़े बड़े इदारों में भी गए, हम दिन रात पढ़ते रहे, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है या तो वहां पर एरर शो कर दिया जाता है या तो हमारा रिजल्ट ही नहीं शो किया जाता, आखिर इस चीज के पीछे राज क्या है? तो मेरे भाइयों, मेरे व्यूवर्स, आपको इस हवाले से मैं गाइड करता चलूं कि इसके पीछे राज वाली कोई बात नहीं है, ना ही यहाँ पर पीयू डिफॉल्टर होती है और ना ही यहाँ पर आप लोग खुद बुझाते खुद डिफॉल्टर होती है। असल में बदकिस्मती इस हवाले से है कि इस हवाले से लाइक कोई मीडिया का चैनल ही नहीं है जो स्टूडेंट्स को गाइड करता रहे साथ साथ कि भाई सिर्फ आपने अपनी तैयारी पर ही डिपेंड नहीं रहना, अपनी तैयारी पर ही आपने सिर्फ इंसान नहीं करना, बल्कि साथ साथ आपके दूसरे मुख्तलिफ प्रोसेस है, मुख्तलिफ काइंड ऑफ वैराइटीज है जिनको आप पूरा करेंगे, उसके बाद जाकर आपका रिजल्ट शो किया जाएगा और उसके बाद आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप फेल भी थे या पास ही थे। तो इसी हवाले से एक क्वेश्चन था जो मेरे जेहन में था, यही हम इस हवाले से बात करते चलेंगे। क्वेश्चन ये था कि लाखों बच्चे जो फेल हो जाती हैं, तो छोटी सी गलती थी क्या? अक्सर स्टूडेंट मुझे भी मैसेज करते थे कि सर हम फेल हो गए, हमने तैयारी की। इसका मसला जो है, इस मसले का जो हल है, सॉरी, जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिशन के ऊपर है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिशन पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसीजर होता था कि आप जब बैंक में फीस जमा करवाते थे उसका जो चालान फॉर्म होता था वो आपको यूनिवर्सिटी में जमा करवाना पड़ता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अक्सर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चालान फॉर्म भी जमा करवाया, अपनी फीस भी सबमिट करवाई बैंक में, और उनका फिर यही कहना था कि सर हम तो फेल कर दिए जा चुके, हमारा तो यूनिवर्सिटी की जब रिजल्ट ही नहीं शो हुआ तो भाई मेरे कैसे शो होगा। अब आप खुद बताइए ना, लाखों बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि आपकी फीस सबमिट हो भी चुकी है कि नहीं, क्योंकि जो पहला प्रोसीजर जो था, जो पहला प्रोसेस यूनिवर्सिटी का था, उसमें आपको फीस जमा करवाने के साथ साथ उसकी जो कॉपी होती थी चालान फॉर्म की, वो पीयू में जमा करवानी पड़ती थी। लेकिन अब ये 2022 का दौर है, ये जदीद दौर है मेरे भाई, इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही जमा करवाना पड़ेगा, आपको कोई जरूरत नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी जाने की। वो बच्चे जो दूसरे शहरों से थे, दूसरे देहातों से थे, आपको कोई भी जरूरत नहीं है पीयू जाने की, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करवाना पड़ेगा, बैंक में फीस जमा करवाए, मोटरसाइकिल निकाले और चुप करके मेरे भाई घर में आके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, आपको इस मसले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि सर हमने तो ऑनलाइन हमारा एडमिशन हो गया, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 2-3 सालों से पहले आपका ऑनलाइन एडमिशन का कोई भी प्रोसीजर नहीं था। अक्सर स्टूडेंट्स इसी हवाले से कंफ्यूज थे कि जिस तरह उन्होंने 9-10 का दाखिला भेजा, अपना इंटर का दाखिला भेजा, तो इस हवाले से कंफ्यूज थे कि सर हम ऑनलाइन जो हमारा एडमिशन जाएगा वो किस तरीके से भेजेंगे। तो मेरे भाई, अगर आपको इस हिसाब से, इस हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपने चुप करके अपने करीबी कोई भी नेट शो पर चले जाए,
उधर आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी जो पीयू की रजिस्ट्रेशन होगी वो रजिस्ट्रेशन का कार्ड लेकर जाना है, साथ आपके मुतलका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने उधर ले जाने हैं और उधर आपने सबमिट करवा देना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो चलान होगा आपका, फी का चलान होगा, वो सिर्फ आपने मेरे भाई बैंक में जमा करवाना है, उसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है। आराम से मेरे भाई घर में बैठे अपनी तैयारी करें। बैंक के हवाले से मैं बात करता चलूं तो मुतलका जो बैंक है आपका, कोई भी बैंक किसी भी बैंक में जमा करवा सकती है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि एचबीएल आईटी अच्छा है, इसकी सर्विसेज, इसकी फैसिलिटीज इस हवाले से काफी बेहतर है। तो अब आई थिंक मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स की जो ये कंफ्यूजन थी एडमिशन के हवाले से और फीस सबमिट करवाने के हवाले से, वो आई थिंक काफी हद तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि पहले जो होता था वो ऐसे था कि आपने फीस जमा करवाई है तो उसका जो चलान फॉर्म होता था वो आपने बैंक में जमा करवाना होता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो आपका चलान फॉर्म होगा वो आपने जो बैंक में जमा करवाई होगी उसका जो फॉर्म मिलेगा उसको आपने कहीं पे भी जमा नहीं करवाना, ना ही आपने पीयू जाना है, ना ही आपने किसी दूसरे इदारे में जाना है। आपने चुप करके मेरे भाई घर में आ जाना है और अपनी बुक खोलनी है जिस बुक को आपने पढ़ना है या जिसके आपने सैपली में एडमिशन देना है। बाकी उम्मीद है कि इस बार का जो आपका एडमिशन होगा सैपली के हवाले से ये आखिरी ही होगा, खुदा ना करे इसके बाद आपको दोबारा से सैपली के हवाले से एडमिशन भेजना पड़े। बाकी अगर हम सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करें तो वो तो आपकी मेहनत पर भी इंसार करता है, नो डाउट खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अच्छा, एक इस हवाले से मुझे क्वेश्चन आया था मेरे स्टूडेंट भाई की जानी से कि सर क्या फी बैंक में जमा करवाने के बाद पीओ को कुछ जमा करवाना होगा? तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप एक बार फी ही बैंक में जमा करवा देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने पीओ को ही फीस जमा करवा दी है। कोई भी इस हवाले से अगर एजेंट आपको कहे कि आप हमें फीस जमा करवाएं, हम आगे बैंक में भी देंगे और हमने आगे पीओ में भी देनी होगी, तो ये सब फ्रॉड है मेरे भाई, काइंडली आपने फ्रॉड से लाजमी बचना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक प्रोसेस था, सिंपल सा एक प्रोसीजर था कि आपका जो एडमिशन का फॉर्म है वो किस तरीके से आपने सबमिट करवाना है। सिर्फ नेट की शॉप पे आपने जा रहे हैं, मुतलका डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने जमा करवाने हैं और चुप करके बैंक में फीस जमा करवा के मेरे भाई अपने घर में आ जाना है। काइंडली ये जो फेक लोग हैं, काफी इस हवाले से लोग बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि हम हर बच्चे पे अपना टोका चलाए, अपना छुरा चलाए, इन लोगों से बचिए। सिंपल सा जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया था, इसके बाद आपकी रही जो टेंशन्स वो आप सिर्फ तैयारी में रहिए। बाकी उम्मीद तो, उम्मीद पर तो दुनिया भी कायम है और खुदा पर अगर आपका एतबार होगा और साथ ही साथ आपकी मेहनत भी होगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप तमाम ना कि सिर्फ बैचलर के हवाले से बकाया तमाम फील्ड्स पर कामयाबी हासिल करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तरीन को इजाजत दीजिए, अल्लाह की रहमत।